लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। जवाब आप तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया, वह रिश्तों को क्या समझेगा। वही करता है, वही करवाता है। अरे बंदे, तू व्यर्थ में क्यों इतराता है? एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और वही जगाता है। छोड़कर जाने वाला क्या जाने कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो? अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं देता। बात बस इतनी सी है कि या तो तुम या कोई नहीं। खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कभी नहीं घटती। वादा अगर निभा ना सको तो किसी किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वह इंसान अपनी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी ना किसी बात से अंदर तक बहुत सताया होता है। एक बात याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक स्पेशल होते हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म होते ही हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी टिकाना इश्क पर घर है। कुछ अक्का कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। पत्नी को पुण्य के लिए अंकों की नहीं, बल्कि अपने पति की साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। कुछ यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता, उम्र भर मिल जाए तो बातें लंबी, और ना मिले तो यादें लंबी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसको पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का खुद का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। गलती की देरी है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है, कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयां हुई, बातें बंद हुई, तो खा मिला, वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईसालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फैमिली जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। हमने एक उम्र गवा दी तेरी चाहत में, कितना खुश किस्मत होगा तुझे मुफ्त में पाने वाला। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो तो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। बड़े ही खुशनुमा मेहमान थे कि हम उनकी जिंदगी में अहम थे। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना, दो चार लोग रोएंगे सिर्फ दो चार दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे
एक ऐसे शख्स की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब, किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैंने तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, और तू समझता है कि मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहा हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है, अरे लोग क्या कहेंगे ये कहकर उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। तुझसे नाराज होकर कहा जाऊंगा, तू इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। या लूटेगा जमाना खुशियों को हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी ताव पर लगी होती है। जरूर मुकरे होंगे लोग जुबान देकर, वरना कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तना ना कर दे, रिश्ते फुर्सत की नहीं तवज्जो की मोहताज होते हैं। जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब हजार रास्ते निकाल देता है, उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। पता नहीं ये खूबी उसकी है या मेरे इश्क की है। हम बदले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस समझ चुके हैं ये दुनिया कैसी है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुका है वह फिर कभी नहीं आएगा। मर्द अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुमने कोई और अच्छा लगता है, डर तब हुआ जब हमें नजरअंदाज किया गया। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। इसलिए धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उसे जुड़ना चाहिए। ईश्वर को खो जाना ही जाता, ईश्वर में खोया जाता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। दिल की नफरत अच्छी है जनाब, दिमाग वाली मोहब्बत से तो तुम छोड़ जो कोसते इंसानों को पहचानने की। यह जरूरतों के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जवाना बहुत खराब है। वक्त भी बदलता है, चीजें भी ठीक होती है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, हमें समझने में दिल लगेगा और तुम दिमाग वाली हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता, और एक मूर्ख व्यक्ति कभी ये नहीं मानता कि वह मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो पर वह सुकून घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली करो।